हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस ये हमें पता है कि जो एमएससी केमिस्ट्री है आपका फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें तो टोटल आपको फोर पेपर देने होते हैं एक होता है आपका फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड एक पेपर होता है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक डिफरेंट चैप्टर होता है मीन्स कंप्लीट बुक होती है आपकी सेपरेट जैसे बी एस सी तुम में तो हम वैसे पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे NMR, IR, एन एम आर आई आर एंड उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल थिंग्स पढ़ेंगे ठीक है अब इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस अब देखिए फर्स्ट अब इसमें भी आपके फोर यूनिट हैं फर्स्ट इन्होंने दे रखा है क्वांटम मैकेनिक्स देखो इंट्रोडक्शन करना आपको क्वेंटा मैकेनिक्स का पोस्टलेट्स पढ़ने हमें क्वेंटा मैकेनिक्स के क्विंटा मैकेनिकल जो भी ऑपरेटर हैं आपके जैसे कॉम्पिटेटर है, है, रिलेशनस हैं हरमिशन ऑपरेटर हैं आइगन फंक्शनस ओल आइगन वैल्यूज पढ़ने आपको एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स एंड देर इनके कॉम्पिटेशन रिलेशन देखने हैं लेडर ऑपरेटर एंड इट्स इफेक्ट ऑन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एंड डेरिवेशन करना हमें अनसर्टनिटी प्रिंसिपल्स का वैसे क्विंटा मैकेनिक्स आपका बी में भी आया था उसमें हमने डिटेल से ओल आइगन वैल्यू आइगन फंक्शंस लाइक ये दैट पढ़े थे लेकिन जैसे लेडर ऑपरेटर्स हैं या ओल थिंग्स ये नहीं डिस्कस करिए हम एमएस ही डिस्कस करने वाले हैं अब देखिए आपका सोडेंचर वेव इक्वेशन है दिन नेक्स्ट सोडेंजर वेविक्वेशन थ्री पार्टिकल्स के लिए वन डायमेंशन बॉक्स में देखते हैं फिर रिवोशन एवरेज पोजिशन मोमेंटम एनर्जी जो आपके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो भी वेव इक्वेश एनर्जी फॉर पार्टिकल वन डी के लिए देखना है आपको शोडेंजर इक्वेशंस क्वेश्चन देखने ये आपका क्वेंटा मैकेनिक्स के टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं अब देखिए नेक्स्ट क्या यूनिट सेकंड उसमें आपका थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स तो हम इले ट्वेल्थ से ही पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं फिर बी एस एम भी पढ़ते हैं इसमें वो देखिए इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आपको पढ़ना थर्मोडाइमिक्स उसमें कार्नोट साइकिल्स रेफ्रिजरेटर एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में वेरिएशंस देखना आपको एंट्रोपी का विद टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम क्राइटेरिया देखना है इस के लिए ये ऑल थिंग्स फ्री एनर्जी चेंज देखना है आपको मतलब फंक्शंस मैक्सुअल रिलेशन पार्शल मोलर क्वान्टिटीज़ वेरिएशंस देखना टेम्परेचर प्रेशर का फ्री एनर्जी एनथर्लपी वॉल्यूम एंड अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट का है आपका थर्ड यूनिट आती है केमिकल डायनामिक्स uh, अब देखिए केमिकल डायनमिक्स में आपको पढ़ना है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखना है आपको इंटीग्रेटेड जो रेट लोज आपकी जीरो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है लेडमेन ये आपका मेकेजम्स देखना है यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए रेट ला अपोजिंग रिएक्शंस के लिए रेट फॉर कंजुगेटिव रिएक्शंस फिर आपको चेन रिएक्शन पढ़ना है फॉर्मेशन जैसे एच बी आर एंड एच सल की डीकम्पोजिशन एसिटेल डाइड और इथिन अपेरेंट एक्टिवेशन एनर्जी चेन लेंथ ये मैकेनिजम्स सबको डिस्कस करना है ये चैप्टर आपके लिए न्यू है केमिकल डायनेमिक्स अब देखिए नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें हम डिवाई हैकल थ्योरी देखना आपको आइन एन इंट्रैक्शन आइनिक क्लाउड पॉइजनस इक्वेशन चार्ज डेंसिटीज ये आपको बोल्ड्स मैन इक्वेशन देखनी है इसमें कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम इलेवेंथ ट्वेल्थ से ही स्टार्ट हो जाती है आपकी एंड uh, ये सेंट्रल डी डिबाई हेकल रेसिप्रोकल लेंथ है कुछ न्यू टॉपिक ऐड हो जाते हैं इनमें है सेवर सिलेबस देखो टोटल पोटेंशियल्स डी डिबाई हेकल लिमिटिंग ला एक्टिविटी कोफिशेंट आईन आइन इंट्रेक्शन देखना आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस मीन आइन एक एक्टिविटी कोफिशेंट न्यूमेरिकल भी आते हैं वैसे डी डिबाई हेकल ओन सारी क्वेश्चन पढ़नी आपको नोन सोल्यूशंस एंड डी बाई फाल्कन इफेक्ट और वेन इफेक्ट तो ये हमारा एम एस केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का सिलेबस था फिजिकल केमिस्ट्री और कुछ बुक देख सकते हो जैसे आपका के एल कपूर है अच्छी बुक है एटकिंस और लेडलार जैसे ग्लास स्टोन है ये थ्री टू तो फोर बुक्स वैसे एम एस में ये होता है कि स्पेशल बुक्स नहीं बता सकते हमें डिफरेंट टॉपिक के लिए जैसे समझ नहीं आता तो हमें थ्री टू तो फोर रेफरेंस बुक भी कई बार यूज करनी पड़ती हैं तो वो हम अपनी देख सकते हैं कैसे आई होप आपको अच्छा लगा होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल